हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ पीडियाट्रिक एज ग्रुप टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टर्म्स जो हैं टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर टर्म्स हैं, सबसे पहले आता है गेस्टेशनल एज, और इसकी डेफिनेशन भी है। गेस्टेशनल एज कब होती है? टाइम फ्रॉम द मदर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड टू द टाइम द बेबी इज़ बॉर्न। तो गेस्टेशनल एज हम उस एज को बोलते हैं जब मदर को लास्ट पीरियड आते हैं, या फिर जब मदर कंसीव करती है। फर्स्ट मंथ होता है कंसीव करने का, यानी कि जब बेबी कंसीव हो जाता है, से लेकर के बेबी के जन्म तक के टाइम को हम गेस्टेशनल एज बोलते हैं। नेक्स्ट एज ग्रुप आता है पोस्टनेटल एज। पोस्टनेटल एज आता है हमारा सिंस बर्थ, यानी कि बर्थ से पहले के टाइम को हम पोस्टनेटल एज हम बोलते हैं। देन आता है नियोनेट। नियोनेट पीरियड हम बोलते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ बेबी, यानी कि फर्स्ट जो पहला मंथ होता है बेबी का, जन्म से लेकर के एक मंथ का जो टाइम होता है उसे हम नियोनेट पीरियड बोलते हैं, या फिर उन बच्चों को हम नियोनेट बच्चे बोलते हैं। प्री मेच्योर नियोनेट में क्या होगा? बॉर्न एट लेस देन 37 वीक गेस्टेशनल, यानी कि जब बच्चों का जो जन्म है वो 37 वीक से पहले हो जाता है तो उसे हम प्री मेच्योर बच्चे बोलते हैं, क्योंकि जो टाइम होता है बच्चों का 37 वीक में बच्चे जो मेच्योर हो जाते हैं, और लेकिन अगर वो 37 वीक से पहले अगर वो पैदा हो जाते हैं तो उसे हम प्री मेच्योर न्यूनेट्स बोलते हैं। देन आता है फुल टर्म न्यूनेट। फुल टर्म न्यूनेट में क्या होगा? बॉर्न बिटवीन 37 एंड 42 वीक्स गेस्टेशन, यानी कि फुल टर्म बेबी, यानी कि जो एक टाइम पीरियड होता है 9th मंथ के अंदर जो बेबी ग्रो करता है, सभी उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डिवेलप हो जाते हैं, तो 37 to 42 वीक्स के अंदर बेबी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस दौरान अगर जब बच्चा जन्म लेता है 37 वीक के बाद, या फिर बिटवीन 42 वीक्स के बिटवीन जो बच्चा जन्म लेता है वो फुल टर्म न्यूनेट कहलाता है। उसके बाद आता है इन्फेंट। इन्फेंट हम बोलते हैं 1 मंथ से बच्चे से लेकर के 1 साल तक के बच्चों को हम इन्फेंट बोलते हैं, यानी कि बच्चे के 1 मंथ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? नियोनेट। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है उसे हम इन्फेंट बोलते हैं। चाइल्ड कौन सी एज में होगा? 1 to 12 ईयर ऑफ एज, 1 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे चाइल्ड एज में रहते हैं। उसके बाद एडोलसेंस, यानी कि 12 से 18 साल के एज में जो बच्चे आते हैं उन्हें हम एडोलसेंस बोलते हैं। तो ये पूरा टर्मिनोलॉजी है, पीडियाट्रिक की टर्मिनोलॉजी है, बच्चों की टर्मिनोलॉजी है, उनके एज के अकॉर्डिंग उन्हें किन किन टर्म से जो है वो बुलाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।